हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ अपना सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक चल रहा है और कल अपन ने क्या पढ़ा था, ईसीजी पढ़ा था, है ना। तो देखो अपन ने कल ईसीजी में क्या पढ़ा था, कल अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। कल अपना टॉपिक चल रहा था ईसीजी। ईसीजी मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम की ग्राफ, ग्राम बताया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, कल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी ना, क्या लिखवाई थी इसकी डेफिनेशन कल मैंने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, क्या लिखवाया था कल मैंने इसके अंदर, आपको याद है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसी ग्राफिकल एक्टिविटी है जो हार्ट के अंदर होने वाले चेंजेस को क्या करती है, नोट करती है, उस एक्टिविटी को नोट करती है, उसको बोलते हैं, वो एक तरह का ग्राफ है। और वो ग्राफ अपन ने कैसे बनाया था, ये बेसमेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ से वेव शुरू होती है, सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल, एट्रियल के अंदर डिपोलराइजेशन, तो ये एट्रियल डिपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए क्या चलती है, सीधी चलती है, और फिर कुछ नीचे जाके, और फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाती है, वापस नीचे आती है, ठीक है। यहाँ से कुछ नीचे और फिर ये ऐसे करके, ऐसे बताया था, और फिर ये कुछ टाइम के लिए सीधी चलती है और फिर वापस से डोम शेप स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे ऐसे बताया था। ये अपना एक, ये क्या है, ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और ये टी वेव है। इतनी बात कल अपनी हो गई थी, है ना। अगर आपको, आपने कल अगर लेक्चर देखा था तो इतनी बात कल अपन ने कर ली थी। अब देखो पी वेव क्या डिनोट करती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्या शो करती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करती है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शो क्या क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करता है, है ना। एट्रियल डिपोलराइजेशन के बाद सेकंड स्टेप होती है एट्रियल रिपोलराइजेशन, कौन सी होती है, रिपोलराइजेशन होती है। लेकिन रिपोलराइजेशन को ये वाली जो है, ये इसको क्या कर देती है, नेग्लेक्ट कर देती है, क्योंकि दोनों जो क्या है एक टाइम पे होती है, तो ये इसको क्या कर देती है, नेग्लेक्ट कर देती है। टी वेव क्या शो करती है, टी वेव शो करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। हो गई चार स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है वो इसकी वजह से नेग्लेक्ट हो जाती है। इतनी बात कल मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब देखो अपन इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ईसीजी का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये बात देखते हैं। देखो एक ईसीजी पी वेव नीचे से आती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव, ठीक है। फिर से शुरू होगा पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और फिर से टी वेव। ये कितनी हो गई है, दो हो गई। जैसे देखो एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जैसे अपन मशीन में देखते हैं ना, तो मशीन में अपने को ये स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, इसका मतलब ये पी वेव और टी वेव जो है, ये पी वेव और ये टी वेव, ये पी वेव और ये टी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना। जब हम मशीन में देखते हैं तो ये पी वेव और टी वेव हमें दिखती नहीं है, हमें कौन दिखती है, सिर्फ क्यूआरएस दिखती है। इसलिए एक हार्टबीट के अंदर, एक लबडब के अंदर कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गए, एक हो गया,
वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट मतलब वन QRS कॉम्प्लेक्स, एक हार्ट बीट मतलब एक QRS कॉम्प्लेक्स। कैसे? यहां से शुरू हुआ एट्रिया का डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन हुआ और QRS कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन और ये वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, उसके बाद दोबारा से पीवी वाली तो एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो फर्स्ट हार्ट बीट यहां से शुरू हुई पीवी से और यहां तक खत्म हो गई टीवी के एंड तक। इसमें कितने QRS कॉम्प्लेक्स आ गए? इसको अपन एक हार्ट बीट बोल सकते हैं, पीछे लेके टी तक को एक हार्ट बीट बोल सकते हैं। इसके अंदर कितने QRS कॉम्प्लेक्स आए हैं? एक आया, तो इसको बोलेंगे एक हार्ट बीट इज इक्वल टू वन QRS कॉम्प्लेक्स। अब ये एक मिनट के अंदर कितने QRS कॉम्प्लेक्स बनेंगे? उतने बनेंगे जितनी बार अपनी हार्ट बीट में क्या होती है, धड़कन होती है, लबडब या फिर धक-धक जिसको बोलते हैं अपन। ठीक, कितनी बार समझ में आ गई? अब देखो एक हार्ट बीट इज इक्वल टू एक QRS कॉम्प्लेक्स। जैसे अब अपन इसको लिखे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बाय काउंटिंग QRS कॉम्प्लेक्स वी कैन कैलकुलेट द हार्टबीट पर मिनट, और हार्टबीट या फिर क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं, कार्डियक साइकिल। इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बताया कि अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करें, एक हार्ट बीट के अंदर एक QRS कॉम्प्लेक्स है, तो एक हार्ट बीट के अंदर एक QRS कॉम्प्लेक्स, जितने QRS कॉम्प्लेक्स होंगे एक मिनट के अंदर हार्ट उतनी ही बार लबडब करेगा, उतनी ही बार उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी, एक बात क्लियर होगी। अब देखो अभी साइज वे जो ये वेव जो है इनकी साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट होता है, ये बात देखनी है अपने को। साइज इंक्रीज हो जाए, जैसे पी वेव है, पी वेव इनलार्ज हो गई, मान इनलार्ज्ड पी वेव, पी वेव इनलार्ज हो गई, इसका मतलब पी वेव के अंदर क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा है। डिपोलराइजेशन मतलब सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, तो सोडियम आयन अंदर आने से मतलब बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, इसकी वजह से एट्रिया क्या हो गया, इनलार्ज्ड हो गया। क्या हो गया? इनलार्ज। एक बात आप सीधी सी इसके अंदर इसको रटना है आपको, कुछ नहीं है, इनलार्ज पी वेव का मतलब हो गया इनलार्ज ऑफ एट्रिया, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। पी वेव बढ़ गई तो एट्रिया भी बढ़ गया फर्स्ट। या फिर आप देखो अपन आर वेव बढ़ गई, आर वाली ये वाली, इसका पिच और ज्यादा बढ़ गया, ऐसे होगी इनलार्ज्ड आर वेव, है ना। आर वेव बढ़ने से कौन बढ़ गए? ये किसका डिपोलराइजेशन है? वेंट्रिकल का। तो इसमें किसका इनलार्जमेंट हो जाएगा? इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये टी वेव जो है इसकी अपनी अलग ही कहानी है, इसका इनलार्जमेंट नहीं होता, ये डिप्रेशन होता है इसके अंदर। तो इसको लिखो डिप्रेशन ऑफ टी वेव। डिप्रेशन मतलब अभी ये इतनी ऊंची है ना, ये क्या हो जाती है, पास आ जाती है ऐसे। तो ये क्या हो गया, इसका डिप्रेशन हो गया। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन हार्ट, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन हार्ट। अच्छा अब एक बात बताओ आप मुझे, हार्ट के अंदर कैसा ब्लड आता है? इसको मिटा दो,
ठीक है। अब देखो ये एट्रिया इसके अंदर कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया और यहां से कहां चला गया, लंग्स में चला गया। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके कहां आया, एट्रिया के अंदर आया ऑक्सीजनेटेड होके, और यहां से फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहां चला गया, बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। तो हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती क्या, हार्ट तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, पंप कर रहा है सिर्फ ऑक्सीजन को, खुद कहाँ यूज करेगा ऑक्सीजन को, क्या इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, होती है। देखो यहां से जब ये ब्लड ये आयोटा जा रही है तो एक स्पेशल आर्टरी जो है वो हार्ट में जाती है, ऐसे एक स्पेशल आर्टरी जाती है हार्ट के अंदर जो हार्ट को क्या देती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। इसका क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी। जब इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए या फिर कोई और दिक्कत आ जाए कि यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड को कम हो रही है, तो टी वेव क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। इतनी बात समझ गए, टी वेव डिप्रेस मतलब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड को, हार्ट को क्या हो गई, कम हो गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। या फिर आप देखो इवेल्युएशन हो जाए, इवेल्युएशन ऑफ टी वेव, टी वेव क्या हो जाए काफी, मतलब अभी तो ये क्या है, डिप्रेस हो रही है या फिर या अचानक से, देखो ब्लड सप्लाई अगर कम होती है ना तो अचानक से हार्ट बीट जो है ये टी वेव जो है काफी ऊंची हो गई और वापस से डिप्रेस हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हाइपरकैल्मिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरकैल्मिया। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरकैल्मिया। मतलब इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे रिपोलराइजेशन हो रहा है, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे हैं, तो पोटेशियम आयन बाहर निकलने से रिलेटेड होगा ये, पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं यहाँ से, तो पोटेशियम आयन के बाहर निकलने के में कोई प्रॉब्लम हो या फिर यहाँ पे पोटेशियम आयन का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलेंगे हाइपरकैल्मिया। पोटेशियम आयन का लेवल क्या हो जाए यहाँ पे, हाई हो जाए, जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से टी वेव क्या हो जाती है, इलेवेट हो जाती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने बताया कि पी वेव एट्रिया का डिपोलराइजेशन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, और टी वेव वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। यहां से फिर दूसरी कार्डियक साइकिल शुरू हो जाती है। अब देखो अगर पी वेव के अंदर चेंज हो जाए, जैसे नॉर्मल पर्सन के अपन देखे तो मान लो ऐसे है, लेकिन अगर ये ज्यादा ऊपर हो जाए, फिर नीचे हो जाए, बड़ी हो जाए, चौड़ी हो जाए, जो भी प्रॉब्लम, इनलार्जमेंट हो जाएगी, एक तरह से अपन देखे कि पी वेव के अंदर क्या हो गया, इनलार्जमेंट हो गया, जिसकी वजह से एट्रिया भी क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। फर्स्ट बात क्लियर हो गई। सेकेंड देखो, इनलार्ज्ड पी वेव, आर वेव, पी वेव का कंप्लीट हो गया, आर वेव देखो ये ऐसे हो जाए, ये पिच हाई हो जाए या फिर ये चौड़ी हो जाए, है ना, तो ये हो गया इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का क्या हो गया यहाँ पे, इनलार्जमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो टी वेव है, टी वेव में अचानक से क्या आता है, इलेवेशन आता है, किसकी वजह से, हाइपरकैल्मिया की वजह से, क्योंकि ये रिपोलराइजेशन है, रिपोलराइजेशन में के प्लस बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, तो इनका लेवल क्या हो जाता है, वेंट्रिकल के अंदर बढ़ जाता है, बाहर नहीं जा पाते, तो इसकी वजह से क्या हो गया इसको, हाइपरकैल्मिया, जिसके अंदर क्या हो गया, टी वेव क्या हो जाती है, इलेवेट हो जाती है। टी वेव का डिप्रेशन हो गया, मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ गया, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, और जब ये ब्लड सप्लाई ज्यादा कम हो जाए, बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, तो कुछ टिश्यू यहाँ पे मरने लगते हैं। जब बॉडी का, इसका हार्ट का कोई बड़ा टिश्यू मर जाए तो होता है हार्ट अटैक। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब ये सेगमेंट है, ये पी सेगमेंट है, पी और क्यू के बीच में देखो ये वाला, एक तो अपन यहां से यहां तक बनाए, फिर या फिर ये एस और टी वाला है ना, ये सेगमेंट है, ये क्या शो करते हैं, बीच में अपन ने ये स्पेस क्यों बनाया, सीधी लाइन क्यों बनाई, इसका क्या मतलब है, अभी देखते हैं। देखो
सबसे पहले यहां से पी वेव शुरू हो रही है, पी वेव यहां से शुरू हो रही है, यहां से लेके और यहां क्यू वेव तक, क्यू वेव यहां तक है, ये पी क्यू सेगमेंट हो गया, पी क्यू सेगमेंट हो गया। तो पी क्यू सेगमेंट रिप्रेजेंट, पी क्यू सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द टाइम क्या शो करता है, रिप्रेजेंट द टाइम विच एट्रिया गेट डिपोलराइज्ड, विच एट्रिया गेट डिपोलराइज्ड है ना, एंड वेव डिपोलराइजेशन एंड वेव डिपोलराइजेशन रिचेस वेंट्रिकल। अभी समझाती हूँ, डरना नहीं है, क्या है, एक मिनट रुको, अभी बताती हूँ। पी क्यू की लंबाई, अब देखो पी क्यू सेगमेंट क्या शो करता है, पी क्यू सेगमेंट वो टाइम शो करता है जहां पे एट्रिया के अंदर डिपोलराइजेशन हो चुका और वेंट्रिकल को डिपोलराइजेशन के सिग्नल मिलने वाले हैं, वो टाइम कौन शो करता है, पी से लेके क्यू तक। यहाँ पे क्या हुआ, पी का डिपोलराइजेशन, ये पी के डिपोलराइजेशन की हाई रेट, फिर ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है और यहां तक आते आते क्या हो गया, क्यू तक आना है ना अपने को, तो क्यू से क्या शुरू हो रहा है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यही हो रहा है। तो पी क्यू सेगमेंट को अपन बोल देंगे कि पी क्यू सेगमेंट एक वो टाइम है जो क्या करता है, एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रेक्शन को या फिर एट्रिया के डिपोलराइजेशन को लेके और वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को क्या करता है, वहां तक पहुंचाता है, रिचेस वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। एक बात क्लियर होगी। अब अगर पी क्यू सेगमेंट की लंबाई बढ़ जाए, पी क्यू सेगमेंट की लंबाई बढ़ गई मान लो, तो क्या होगा भाई, पी क्यू सेगमेंट बढ़ गया मतलब टाइम बढ़, टाइम ज्यादा लग रहा है किसमें, या तो डिपोलराइजेशन में या फिर रिपोलराइजेशन में। पी क्यू सेगमेंट इनलार्ज्ड, लेंथनिंग लिख लो, पी क्यू सेगमेंट की लंबाई बढ़ गई मतलब या तो कोई टिश्यू डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज, या फिर क्या हो गया, कैड, कैड क्या है, कोरोनरी के अंदर ब्लॉकेज आ गया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। जैसे देखो यहां पे साइनस आर्टेरियोसिस ऐसे नोड है, यहां ऐसे नोड यहां से सिग्नल देता है, इनको देता है, इनको इनको, इधर इधर हर जगह सिग्नल भेज। अब मान लो ये टिश्यू मर गया है, ये टिश्यू मर गया, इसके मरने के बाद ये सिग्नल देगा इसको, लेकिन ये वाला इसको सिग्नल नहीं दे सकता ना, क्योंकि ये तो डेड सेल है, ये इसको सिग्नल दे रही है, यहां से घूम घाम के आएगा तो इसको घूम के आने में टाइम लगेगा, समझ में आ रही है बात, तो इसको टाइम लग रहा है, क्योंकि क्या हो गया, कोई सेल डैमेज हो गई, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, पी क्यू सेगमेंट की लंबाई बढ़ गई, या फिर कैड होता है ये, कोरोनरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गया जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। ओके, पी क्यू सेगमेंट बढ़ गया। क्यू टी सेगमेंट देखो, क्यू एंड टी किधर है ढूंढो, यहां से शुरू किया और यहां तक पहुंच गए, मतलब सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया यहां से यहां तक। क्यू टी सेगमेंट के अंदर अपन क्या देखेंगे, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन दोनों आ गए, है ना, दिख रहा है क्या नीचे वाला आपको, नहीं दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। क्यूटी सेगमेंट के अंदर क्या आ गया, दोनों आ गए। अब इसकी लेंथनिंग होगी, मान लो ये क्या हो गया, लंबा हो गया, तो इसका मतलब भी वही बात है, टिश्यू डैमेज, ये फिर कैड, वही बात आ गई इसमें भी, टिश्यू डैमेज हो गया फिर कैड, ठीक है। अब एक और बच गया सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट बच गया, पीक्यू हो गया, ये वाला बच गया एक, एसटी सेगमेंट,
ये कौन सा सेगमेंट है? एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट में दो याद रखना, एक तो इलेवेशन हो जाए इसका, इलेवेशन मतलब थोड़ा इसका ऊपर उठना, ये अभी बेस लाइन पे है ना, या फिर ये थोड़ी क्या हो जाए, थोड़ी ऊपर हो जाए ऐसे। एक तो होगा इसका इलेवेशन और दूसरा होगा इसका डिप्रेशन, या फिर थोड़ी नीचे हो जाए या फिर ऊपर, ऊपर नीचे हो जाए एसटी सेगमेंट। ठीक है, इलेवेशन हो गया, अगर ये ऊपर होगी तो ये मीनिंग है किसका, हार्ट अटैक। इसका मीनिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, हार्ट अटैक और टिश्यू डैमेज हो गया जिसकी वजह से ये अचानक से ऊपर होती है और वापस डाउन आ जाती है ना, तो बॉडी की हार्ट के हार्ट में क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और टिश्यू मर गया जिससे उसकी सेल्स पे अटैक हुआ और कुछ सेल्स क्या हुई, डैमेज होगी। ठीक, अगर डिप्रेशन हो रहा है, ये नीचे आ रही है, इसका मतलब लो ऑक्सीजन ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। जब हार्ट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तब तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा एसटी सेगमेंट का, और अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इलेवेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आज अपन ने सिर्फ कितना पढ़ा है, इलेवेशन पढ़ा है किसका, इसने एनालिसिस पढ़ा है किसका, ईसीजी का। ठीक है, इसके अंदर अपन ने देखा पीवी अगर ऊपर जाती है नीचे आती है तो क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में चेंजमेंट आ जाए तो क्या होता है, टीवीयू में चेंजमेंट आ जाए तो क्या होता है, इसके सेगमेंट्स में परिवर्तन हो जाए, इसके सेगमेंट्स बदल जाए तो क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है ना, इनको रेगुलेट कौन करता है, एट्रा कॉन्ट्रैक्शन करता है, ऐसे नोड को सिग्नल्स मिलते हैं तो ये रेगुलेशन हार्ट से होता है, इनको कौन कराता है, कैसे होते हैं, ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, काफ़ी अच्छा चल रहा है आप लोगों का, और अगर आपको रिवीजन अगर आप कर रहे हो बायो के अंदर, आप रिवीजन कर रहे हो तो एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी बिल्कुल ही, एनसीईआरटी में सब कुछ ऐसा, अगर एनसीईआरटी में एक भी लाइन लिखी हुई है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उस एक ही लाइन को पढ़े, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं थोड़ी थोड़ी वो हमें जाननी चाहिए, उसके आसपास वाली, ये उसके आसपास वाली बातें हैं, ये एनसीईआरटी में एज इट इज नहीं दी हुई है ना, लेकिन लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिख दी, मतलब अपने को उसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलना है, तभी अगर आपका टारगेट 360 प्लस 360 मार्क्स का है तो तभी आपके 360 मार्क्स आएंगे जब अगर आप इस तरह से पढ़ोगे। ठीक है।